हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। और आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 76 के मेजर स्पॉयलर्स को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर नंबर 76 के हम लोग को मेजर स्पॉयलर्स देखने के लिए मिल चुके हैं। चैप्टर नंबर 76 की हम लोग को समरी देखने के लिए मिल चुकी है। और गाइस, जब मैंने पहली बार ये समरी पढ़ी थी तो मैं शॉक्ड हो गया था। गाइस, इस समरी के एंडिंग में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो नाम जो हम लोग काफी टाइम से सुनना चाहते थे, जो हम लोग को लगता था कि वो नाम हम लोग को कभी भी रियल स्टोरी में सुनने के लिए नहीं मिलेगा, बट वो नाम हम लोग को सुनने के लिए मिल चुका है। तो गाइस, इस समरी के लास्ट में हम लोग को सुनने के लिए मिलेगा बारडॉक का नाम। जी हाँ गाइस, बारडॉक को एक्चुअली में कैनन किया जा रहा है, मतलब कम से कम चलो उसका नाम तो कैनन कर दिया गया, तो वो कैरेक्टर भी अब कैनन ही है। ये समरी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग को ये बता दिया गया है, जो हम लोग ने माइनर स्पॉयलर्स देख लिए हैं उसके आगे की समरी होने वाली है। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेनोला कॉन्स्टेंटली अटैक करता रहेगा वेजिटा के ऊपर जब तक वो अपनी न्यू अल्ट्रा ईगो फॉर्म नहीं खो देता। देन क्या होगा, गोकू आएगा, वो ग्रेनोला को एक लात मारेगा और वेजिटा से दूर भेज देगा। बोलेगा वेजिटा को कि अभी वो ग्रेनोला से फाइट करने वाला है, लेकिन वेजिटा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो गोकू को एक लात मारेगा और गोकू ड्रम ऑफ वाटर के पास जाकर गिर जाएगा। गाइस, यहां पर मेरी पिछली वीडियो की जो बात थी वो सच होती हुई दिख रही है। मैंने बोला था पिछली वीडियो में ही, क्या वेजिटा गोकू से हेल्प लेना चाहेगा? क्या वो बोलेगा गोकू कि तू मेरी हेल्प कर? क्या वो अपनी प्राइड को साइड में रख देगा? गाइस, वही बात सच होती हुई दिख रही है। यहां पर वेजिटा नहीं लेना चाहता गोकू से हेल्प, इवन वो गोकू को किक कर रहा है और गोकू साइड में जाके गिर रहा है। गाइस, अगले पॉइंट में हम लोग को बताया जाता है कि वेजिटा पहुंचता है गोकू के पास और बोलता है कि हम लोग की फाइट में इंटरफेयर मत कर, और गोकू को फेस पे काफी सारे पंचेस मारता है। गाइस, जब तक गोकू और वेजिटा की बहस चल रही होती है, ग्रेनोला क्या करता है, ग्रेनोला आता है वेजिटा की तरफ, मतलब चार्ज करता हुआ आता होगा बेसिकली। एंड वो क्या ट्राई करता है, वो ट्राई करता है कि वो जो वेजिटा का पेट है ना उसको फाड़ दे। गाइस, हम लोगों ने देखा था ना, जैसे मोरो आर्क में मोरो ने क्या किया था, अपना एक हाथ जो है वो मतलब गोकू के शरीर से ही पार कर दिया था, वैसे ही वो ट्राई करता है कि वो वेजिटा के पेट में छेद कर दे। बट गाइस, अगेन गोकू बचा लेता है वेजिटा को। गोकू क्या करता है कि वो टाइम पे रिएक्ट करता है, एक शॉक वेव मारता है वेजिटा को, जिससे वेजिटा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और ग्रेनोला जो है उसको हल्का सा मतलब स्क्रैच ही कर पाता है वेजिटा को बस। गाइस, उस शॉक वेव की वजह से क्या होता है, जो वेजिटा होता है वो किसी घर में जाके लगता है और वहां पर बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और गोकू और ग्रेनोला फाइट करने लग जाते हैं। गाइस, गोकू और ग्रेनोला की फाइट में क्या होता है, ग्रेनोला काफी तेज मूव करता है गोकू की बैक की तरफ, गोकू के पीछे। गोकू इस चीज को नोटिस कर लेता है, ग्रेनोला गोकू की नेक पर हिट करता है, गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है अनकॉन्शियस, और वहां पर ग्राउंड पर होता है पानी। ग्रेनोला को लगता है उसने गोकू को हरा दिया, बिकॉज वो सोचता है ये तो अनकॉन्शियस पड़ गया, मैंने इसको हरा दिया। वो वहां से जा रहा होता है गाइस वेजिटा की तरफ, लेकिन गोकू जो है बस प्रिटेंड कर रहा था कि वो मतलब अनकॉन्शियस हुआ है, वो रियल में अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, और वो एक की ब्लास्ट करता है ग्रेनोला के बैक पर। गाइस, ग्रेनोला को आ जाता है गुस्सा। इस टाइम वो क्या करता है, इस टाइम वो गोकू का पेट मतलब कोकू का पेट फाड़ने की कोशिश करता है, वो होल करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू जो है सेम ट्रिक यूज करता है। वो क्या करता है, अपने जो मतलब एब्डोमेन है ना उसका, उसको स्ट्रेंथ अप करता है। गोकू ग्रेनोला के पंच को रोक लेता है और खुद से पंच मारता है ग्रेनोला को पेट में। गाइस, वेजिटा आ जाता है होश में और देखता है कि गोकू और ग्रेनोला तो फाइट कर रहे हैं। वो चेस करता है उन दोनों की फाइट को और सबसे पहले एक किक मारता है गोकू को ग्राउंड पर। गोकू गिर जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। वेजिटा बोलता है गोकू को कि उसको अपनी तरह से फाइट करने दे, गोकू उसके बीच में इंटरफेयर ना करे। गोकू बोलता है ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूं, बस मरियो मत। गाइस, वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगेन अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में, और उसको देख के ग्रेनोला हो जाता है सरप्राइज कि भाई इसके पास इतना स्टेमिना कहां से आया, और आई गेस सारे के सारे फैन ही सरप्राइज हो जाएंगे इस टाइम पे। तो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वेजिटा की तारीफ करनी पड़ेगी ना, कि अभी भी वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना है, मतलब स्टेमिना उसके पास अच्छा खासा है, उसके पास अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है। तो गाइस, मानना पड़ेगा सच में वेजिटा को कि अभी भी वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सका। गाइस, वेजिटा और ग्रेनोला लड़ते लड़ते वो सिटी के पास चले जाते हैं, जिस पर ग्रेनोला बोलता है चल कहीं और जाके फाइट करते हैं, यहाँ पर मेरे लोगों को हार्म होगा, और वेजिटा उसको इग्नोर कर देता है। गाइस, ये अर्थ तो नहीं है, तो वेजिटा तो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, कोई मरता है कोई नहीं। गोकू जरूर सोचता है इनके बारे में, अगर गोकू से ये बात कही होती ग्रेनोला ने तो वो जरूर साइड में चला जाता जहां पर ग्रेनोला बोलता उसको जाने के लिए। गाइस, यहां पर है वेजिटा, और वेजिटा का नेचर ऐसा है कि अभी वो अर्थ पर नहीं है तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मरता है कौन नहीं। गाइस, पार्ट 2 की समरी स्टार्ट होती है यहां से। उन दोनों का बैटल जो है काफी ज्यादा खतरनाक चल रहा होता है। ग्रेनोला पंच करता है वेजिटा को और वेजिटा उसके हाथ को काट लेता है, मतलब यार ये वेजिटा ने गोकू वाली हरकत दिखा दी यहां पर। गाइस, ग्रेनोला क्या करता है, ग्रेनोला उठाता है और वेजिटा को जमीन पर देके मारता है। वेजिटा के जो हाथ होता है ना, वो ग्रेनोला अपने पैर से होल्ड कर लेता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेजिटा हिल नहीं सकता,
ग्रेनोला क्या करता है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से वेजिटा को की ब्लास्ट करता है बहुत सारे। गाइस पॉइंट ब्लैंक रेंज से ग्रेनोला ने की ब्लास्ट किए हैं वेजिटा के फेस पर, तो वेजिटा को तो वो काफी ज्यादा डैमेज दिया होगा। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेनोला बैठ जाता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हुआ रहता है, तो वो क्या करता है कि वो थोड़ा देर रेस्ट ले लेता है वहां पर बैठ। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अभी तक वेजिटा और ग्रेनोला फाइट कर रहे हैं सिटी में, वो सिटी से दूर नहीं गए। क्या होता है कि एक दीवार गिर जाती है उनमें से, मतलब एक घर की दीवार गिर जाती है, उसके अंदर जो ग्रेनोला के लोग होते हैं ना उसके अंदर होते हैं एक बच्चा और एक माँ। माँ काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो ग्रेनोला की तरफ देखती है और ग्रेनोला के आ जाते हैं फ्लैशबैक। देखते हैं कि ग्रेनोला होता है एक बच्चा जो कि भाग रहा होता है अपनी सिटी से दूर, बिकॉज उस सिटी को अटैक किया होता है सेयंस। ग्रेनोला भागता भागता जाता है चर्च के अंदर और चर्च के अंदर होती है उसकी माँ, वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। देन गाइस एक नॉइस उनको इंटरप्ट करती है और वो उसके, मतलब उस नॉइस की तरफ देखते हैं जहाँ से वो आई थी, काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन बन गई, वहाँ पर ग्रेनोला और उसकी माँ डरे हुए थे, यहाँ पर ये माँ बेटे डरे हुए हैं। देन गाइस वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है ग्रेनोला का, वेजिटा उठता है और ग्रेनोला काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो पंचेस करता है वेजिटा को, जिससे वेजिटा सिटी से दूर जाके गिर जाता है। ग्रेनोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेजिटा को खत्म करने का सोच लेता है, वो अपनी एनर्जी फोकस करता है एक बड़े जायंट बॉल में। पूरा का पूरा एग्जॉस्टेड होता है लेकिन फिर भी वो उस अटैक को बचने का ट्राई करता है। गोकू भी उनकी तरफ जाता है लेकिन गोकू भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा का पूरा एग्जॉस्टेड है। सडनली एक स्पेसशिप आती है गोकू के पास से, वो गुजरती है पूरी की पूरी स्पीड में, जिसके अंदर होता है मोनाइटो, वो जो नमेकियन था ना गाइस वो होता है उसके अंदर, जिस शिप को मतलब पायलट किया होता है ओटमील। एक्चुअल में ओटमील मोनाइटो के पास गया था, वो मोनाइटो को मनाने गया था कि वो शायद ग्रेनोला को रोक ले। वो ग्रेनोला को रोकने का ट्राई करता है बट वो कर नहीं पाता बिकॉज ही इज एग्जॉस्टेड राइट नाउ। मोनाइटो शिप को ओपन करते हैं और ग्रेनोला को आवाज लगाते हैं, ग्रेनोला सरप्राइज हो जाता है मोनाइटो को देखकर। गाइस गोकू अटैक करता है ग्रेनोला पर और ग्रेनोला को अटैक करने से रोक लेता है। आई गेस उसकी जो मतलब बिग जायंट बॉल थी ना जो उसने फोकस की थी, वो सारी की सारी एनर्जी जो है चली जाती है वहां से। वो शिप लैंड करती है, मोनाइटो उससे बाहर आते हैं। एंड गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मोनाइटो बोलने वाले हैं ना, आप सब लोग को गूज़बम्प्स आ जाएगा। मोनाइटो बोलते हैं 40 साल पहले जो सेयन ने हम लोग को बचाया था उसका नाम था बारडॉग। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि क्या गोकू को पता होगा उसकी फैमिली के बारे में, उसकी सेयन्स फैमिली के बारे में, कि उसके बाप का नाम बारडॉग है। मुझे तो नहीं लगता गोकू को पता है इतना। अगर गोकू को पता चल जाता है किसी तरह से, लाइक अगर वेजिटा को पता हो कि गोकू का नाम बारडॉग है और वो बता देता है गोकू को, अगर गोकू को पता चल जाता है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा यार अपने फादर को लेकर। ऐसा अगर ग्रेनोला यकीन कर लेता है मोनाइटो की बात पर, जो कि ऑफकोर्स ही बात है वो करेगा ही, और जब उसको पता चलेगा कि जो गोकू है उसके फादर थे बारडॉग, तो वो क्या रिएक्शन देगा इस चीज पर, फिर वो गोकू को कैसे ट्रीट करेगा। काफी सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और गाइस इसका आंसर तो हम लोग को मांगा के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गाइस सच में ये एक मेजर ट्विस्ट हो सकता है इस मांगा के अंदर। जल्दी से चैप्टर आ जाए, जल्दी से हम लोग को देखने के लिए मिल जाए चैप्टर। मैं तो काफी ज्यादा हाइप्ड हो चुका हूँ इस चैप्टर के लिए। आज की वीडियो में बस इतने गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।